और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। ढाई साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने नगरपालिका बगरू वार्ड 27 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना पार्षद द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं और वर्तमान में अभी क्या समस्याएं बची हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? बिल्कुल। व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा व्यवहार है। आपके यहाँ समस्या क्या है? अभी कुछ समस्या नहीं है। ने बताइए, दुख में सुख में समय भागीदार ने बताया। समस्या तो ये क्या कि पानी भी आया, अपने पानी कोई इसकी संतुष्ट नहीं है। पानी नहीं है। जहाँ ऊंचाई स्थान है वहाँ पानी नहीं नहीं पूछता है, आता है उनको तो ऐसा है कि फालतू बैठे जा रहा है। और राम गोपाल है साहब मेरा, मेरा पार्षद भगवान साहब है, बहुत बढ़िया काम करा रहे। पार्षद साहब के पास समस्या लेकर जाते हैं या कभी बोलते हो तो सुनवाई करते हैं आपकी? सुनवाई जरूर करते हैं। पार्षद साहब का व्यवहार कैसा? बहुत बढ़िया व्यवहार है। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद हैं, अंतर क्या दिखाई दिया? उससे तो 7/4 ही। अच्छा। हाँ। बहुत ज्यादा काम हुआ, हमारे स्कूल में हुआ, शमशान में हुआ, रोडे हुई, बहुत ज्यादा बढ़िया काम है। जो कहते हैं वो करते हैं, संतुष्ट है। हाँ हाँ जी, रामपाल मुंडोती है। काम बढ़िया काम करवा रहे सर। अच्छा हो रहा है, रोड वोड़े बढ़िया बन रही है और साफ सफाई बढ़िया रहती है। समस्या क्या है? अभी समस्या तो ये बीसलपुर के पानी की थी, तो वो भी अभी थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई। हाँ, पार्षद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार तो यहाँ, इतने सालों मैंने 10 साल हो गए इस बाजार में, दुकान पहली बार नालियाँ साफ हुई इस वार्ड में और सफाई का काम भी इसी कार्यकाल में चला है, कभी सफाई भी नहीं हुई यहाँ टाइम से। पार्षद तुरंत फोन पे ही हाजिर होते हैं वार्ड में, वार्ड की अच्छा व्यवहार। वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 27 के पार्षद, जिनका नाम है भगवान साहेब। आइए जानते हैं पिछले 2.5 साल में यहाँ के जो पार्षद है, इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी विकास भी हुआ है। अब इस वार्ड में ज़्यादा अदर कॉलोनियाँ होने की वजह से उनका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि कॉलोनी वाले कॉलोनियाँ काट के चले गए और वो नगर पालिका उसने निर्णय नहीं करे, तो वो वार्ड यहाँ तक सीमित रह गए और बाहर के आदमी मकान बना के कॉलोनियाँ बसा रहे हैं, तो उनमें काफ़ी विकास की कमी रह गई थोड़ी। जानना चाहूँगा 2.5 साल पहले आपके यहाँ समस्या क्या थी? 2.5 साल पहले पानी की समस्या थी, नालियों की समस्या थी, रोडों की समस्या थी, करीबन आधी तो हो चुकी है, आधी और रह गई समस्या। अभी क्या क्या काम हो चुका है? अभी नालियाँ बन गई, रोडें बन गई, पानी की कमी थी, पानी आ गया, अब थोड़ा बहुत और बचा, कॉलोनियों में नई लाइनें डलनी है, अब वो आगे की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। वो सड़कों को लेकर क्या काम हुआ? सड़कों को लेकर कॉलोनियों में काफ़ी नई सड़कें बनी है, पुरानी सड़कें जो टूट चुकी थी वो भी बन गई हुई है, और नाले में बने रिको में नालियाँ बनी है और काफ़ी हुआ काम। वर्तमान में क्या समस्या नज़र आ रही है आपको? वर्तमान में ये है, अब थोड़ा ये नालियों का पानी निकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, प्रशासन को भी काफ़ी अवगत करा दिया, लेकिन यहाँ का जो पानी है उसका निकासी नहीं मिल रही है, उस वजह से नालियों में पानी भरा रहता है और रिको वाले इसकी परमिशन नहीं दे रहे। आपके यहाँ के जो विधायक है और चेयरमैन है, उनका सहयोग कैसा रहता है? इनका सहयोग बढ़िया है, विधायक साहब का बढ़िया है, चेयरमैन साहब का बढ़िया सहयोग है। 2.5 साल में इसके अलावा और कुछ क्या काम हुए? इसके अलावा शमशानों में काम हुए, मंदिरों में काम हुए, जो भी सार्वजनिक जगह चौक है, चौपाल है, वहाँ पे चबूतरे पक्के बने, टाइलें लगी है, इंटरलॉक टाइलें लगी है, शमशानों में डंडे हुए, गेट हुए, काफ़ी बहुत बढ़िया काम हुआ है। देखिए, आपका जो कार्यकाल है 2.5 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग ये कि एक वार्ड के अंदर सुलभ शौचालय बनवाने का है, ताकि यहाँ पब्लिक काफ़ी परेशान होती है, आने जाने वाले रिक्को वाले आते हैं, मार्केट या संडे बाजार लगता है, तो ज़्यादातर लेडीज़ को शौचालय जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो इधर उधर भटकती रहती है, तो मेरा अब यही उद्देश्य है वो यहाँ एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बने, उससे जनता को राहत मिले और उनको ठंडे प्याओ की व्यवस्था मिले और रायगिरों को बैठने की व्यवस्था मिले, छाँव के अंदर धूप के अंदर आते जाते हैं, जो छाँव वो उनके 3 सेट वाला हो तो उसके नीचे बैठ जाए। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में जैसे चुनाव लड़े जब से सक्रिय है। देखिए, राजनीति में आते हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की वजह क्या रहती है?
कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की वजह यही है भाई, वो विकास बढ़िया होता है कांग्रेस पार्टी में और सब कुछ बढ़िया होता है। 2023 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से गहलोत ने योजनाएं निकाली है उससे तो जनता का काफ़ी रुझान गहलोत की तरफ हो रहा है और लोक कल्याण योजनाएं है जिससे जनता को काफ़ी फायदा मिल रहा है। देखिए ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 27 के पार्षद भगवान।